हाई एवरी वन दिस इज दीपिका वेलकम बैक आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विथ कम्फर्ट में आज के सेशन में हम लोग जो एम एन रॉय का रेडिकल ह्यूमेनिज़म है उसके थ्री इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट को डिस्कस करेंगे तो जो आज का सेशन है या आज का जो लेक्चर है बेसिकली टारगेटेड रहेगा व्हाट आर द थ्री कॉम्पोनेंट्स ऑफ दी रेडिकल ह्यूमेनिज़म जो ये कॉन्सेप्ट एम एन रॉय के द्वारा दिया गया जनरली क्या होता है रेडिकल ह्यूमैनिज्म अपने आप में एक पूरी फिलॉसफी है राइट right? इस पर बहुत तो सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आज के सेशन में हम ये समझ लेते हैं कि अगर आपको रेडिकल ह्यूमैनिज्म समझना है तो इसके ये थ्री कॉम्पोनेंट्स क्या हैं जो आपको अपने आंसर में ज़रूर इंक्लूड करने चाहिए ओके okay? तो आप ये समझ गए ना कि आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं तो फ्रीडम एथिक्स एंड रीज़न दीज आर द थ्री कॉम्पोनेंट ऑफ द रेडिकल ह्यूमैनिज्म जो एम एन रॉय के द्वारा दिया गया और हम इन तीनों की ही को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फ्रीडम का क्या मतलब है एथिक्स का क्या मतलब है एंड रीज़न uh, का क्या मतलब है और किस तरीके से ये एक फ़ाउंडेशन है फ़िलोसफी ऑफ रेडिकल ह्यूमनिज़म ऑफ एम एन रॉय के ओके तो एम एन रॉय रेशनल स्कूल ऑफ थाट से बिलोंग को रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल स्कूल ऑफ थाट जो मतलब रेशनालिटी रीज़न को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं एम एन रॉय डिस्क्राइब करते हैं कि रेडिकल ह्यूमनिज़म क्या है एक फ़िलोसफी है जिसका एम क्या है जिसका एम या पर्पस क्या है रेडिकल ह्यूमैनिज्म को या जो रेडिकल ह्यूमैनिज्म की फिलॉसफी है इसका मेन टारगेट है कि भाई हमें एक ऐसी ह्यूमन सोसाइटी इस्टैब्लिश करनी है दैट इज़ बेस्ड ऑन द साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ओके okay, जो नेचर है जो प्रकृति है उसकी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ह्यूमन सोसाइटी बेस्ड होना चाहिए ना कि सुपरस्टिशन पे आपको पता है बहुत सारे बिलीफ एंड फेथ होते हैं नॉर्म्स होते हैं जो हमारे सुपरस्टिशन या जो सुपरनेचुरल पावर्स होती हैं उनके बिलीफ पर बेस्ड होते हैं तो यहाँ पर जो रेडिकल ह्यूमनिज़म की फिलॉसफी है जो एम एन रॉय के द्वारा डिस्क्राइब की गई इसका एम है कि भाई एक ऐसी ह्यूमन सोसाइटी को स्टैब्लिश करना दैट इज़ बेस्ड ऑन द साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर और जब साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग की बात आएगी तो यहाँ पर रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तो रेडिकल ह्यूमनिज़म में जो फिलॉसफी ऑफ रेडिकल ह्यूमनिज़म है इसमें एम एन रॉय ने थ्री कॉम्पोनेंट्स के बारे में बात की है एक है फ्रीडम के बारे में दूसरा है एथिक्स के बारे में एंड तीसरा है रीजन के बारे में आइए वन बाई वन देखते हैं फ्रीडम सो अकॉर्डिंग टू एम एन रॉय जो फ्रीडम है दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ओके सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज टू गेन द फ्रीडम ये तो आपको समझ में आ गया अब ये फ्रीडम का मतलब क्या है तो फ्रीडम को डिफाइन किया गया है एम एन रॉय के द्वारा इन द कंटेक्सट ऑफ मैन विक्ट्री ओवर द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल ओके मतलब जब ह्यूमन बींग की जो मैन है उसकी विक्ट्री हो जाएगी ओवर द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल ये उसके लिए फ्रीडम हो गई मतलब उसने फ्रीडम को अचीव कर लिया एंड ऑल्सो इंक्लूड फ्रीडम फ्रॉम द फियर ऑफ सुपर नेचुरल पावर्स तो जो सुपर नेचुरल नेशनल नहीं है भाई ये ओके सुपर नेचुरल पावर है ओके सॉरी फॉर मिस टाइपिंग तो जो सुपर नेचुरल पावर हैं जैसे हम सुपरस्टिशंस कहते हैं ओके okay, उनसे उससे उन, जो हमें आ, फियर रहता है डर रहता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो आ, हमारे साथ ऐसा हो जाएगा इस, इस तरीके के बिलीफ होते हैं ना आप मुझे आ, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये खैर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने अपने लाइफ में सबसे इंटरेस्टिंग सुपरस्टिशन कौन सा सुना है जो आपने जाना हो अपनी लाइफ का सबसे इंटरेस्टिंग दो कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं हमारे बहुत सारे सुपर होते हैं ना बहुत सारे सुपर पावर पे हम बिलीव करते हैं हम सभी करते हैं ओके तो आप अपनी लाइफ का सबसे इंटरेस्टिंग सुपरस्टिशन बताइएगा जो आपको बताया गया हो और आपने उस पर बिलीव किया हो और प्रैक्टिस किया हो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा बहुत इंटरेस्टिंग एंगेजमेंट ये होगी हमारी कम्युनिटी मेंबर्स के बीच में प्लीज डू इट गाइस इट्स अ हमर रिक्वेस्ट ओके तो आइए हम वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पर जहाँ पर हम फ्रीडम डिस्कस कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट है रेडिकल ह्यूमेनिज्म का तो एम एन रॉय कहते हैं कि भाई फ्रीडम का मतलब है कि मैन विक्ट्री ओवर द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल एंड ऑल्सो द फ्रीडम फ्रॉम द फियर ऑफ सुपर नेचुरल पावर जो इंसान हैं जो लोग हैं वो सुपर नेचुरल या सुपरस्टिशन जो पावर है इनसे डरना बंद कर दें इस तब हम कहेंगे कि हमने फ्रीडम गेन कर ली और फ्रीडम गेन करना ह्यूमन बींग का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो हर हाल में करना चाहिए सो एम एन रॉय फर्दर बिलीव करते हैं इस चीज में कि जो रेडिकल ह्यूमन से दे कैन ओनली लिबरेट इन अ ट्रू सेंस जो ट्रू सेंस में फ्रीडम है वो यहां पर वही गेन कर सकता है जो रेडिकल ह्यूमन है फ्रीडम का मतलब समझ में आ गया दूसरा इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है रेडिकल ह्यूमन रेडिकल ह्यूमैनिज्म फिलोसफी का दैट इज एथिक्स अब एथिक्स कैसे डिस्क्राइब किया गया है एम एन रॉय के द्वारा बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये तो जो एथिक्स है वो क्या होती है वैल्यूज़ या नॉर्म्स होते हैं ना ओके okay. जो नॉर्म्स हम फॉलो करते हैं जो वैल्यूज़ होते हैं हमारे मॉरल वैल्यूज़ कह सकते हो एथिकल वैल्यूज़ जो होते हैं तो एक एक कोड ऑफ़ कंडक्ट कह सकते हो एथिक्स को मतलब हमारी वैल्यूज़ और नॉर्म्स क्या होते हैं कोड ऑफ कंडक्ट हैं जिन्हें हम अपने बिहेवियर में ओके okay? या आ, उसमें अपने अपने जो डे टू डे लाइफ है उसमें फॉलो करते हैं ओके जैसे ऑनेस्टी हो गई हमें झूठ नहीं बोलना है ये हमारी वैल्यू है नॉर्म्स हो गए बड़ों के रिस्पेक्ट करना बहुत सारी एथिक्स होती है हमारी अपनी तो ये कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को शेप करते हैं तो एम एन रॉय कहते हैं जो ये नॉर्म्स हैं ये जो एथिक्स है इसका ओरिजन रेलिजन से ना होकर कहाँ से हुआ है मैटर से तो एथिक्स इज मटीरियलिस्टिक एथिक्स क्या है मटीरियलिस्टिक इन नेचर है ना कि रिलीजियस जनरली हमें क्या लगता है कि जो जो वैल्यूज होती हैं ओके okay? जो एथिकल वैल्यूज होती हैं जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो हम अपने रिलीजन से फाइंड फाइंड आउट करते हैं और जिसे जनरली हम क्या है गॉड से जोड़कर देखते हैं ओके okay? समझ में आ गया कि भाई जैसे जनरली आपने अपने आसपास सुना होगा कि भाई ऐसे ऐसा मत करो गलत काम मत करो ऊपर जाके भगवान को भी तो जवाब देना है ओके okay? इस तरीके का सुना है आपने ना इस तरीके की चीज़ें आपने तो यहाँ पर जो जो एम एन रॉय हैं वो कहते हैं कि जो एथिक्स का ओरिजन है ना बेसिकली ये यूटिलिटेरिज इसकी यूटिलिटी की वजह से इसका ओरिजन हुआ है सो दिस इज़ मटेरियलिस्टिक इन नेचर सो दिस फिलोसोफी इज़ नियर टू द बेन्थम्स यूटिलिटेरियनिज़्मी भाई किसी भी एक्शन की यूटिलिटी है उसका यूज है इसलिए हम उसको सही कहते हैं या मॉरली करेक्ट कहते हैं या एक्शन को जज करते हैं आपने अगर बेंथम का यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी पढ़ी हो तो ओके तो यहाँ पर एथिक्स जो ह्यूमन बींग है जो जो मैन थे उनके लिए यूजफुल थी अब ये यूजफुल कैसे थी यूजफुल इसलिए थी क्योंकि ह्यूमन बीइंग को के लिए जो ये एथिकल नॉर्म्स थे जो एथिक्स थी वो एक वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी को स्टैब्लिश करने के लिए बहुत ज़रूरी थी इट वॉज़ एसेंशियल फॉर द वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी एक अगर वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी आपको स्टैब्लिश करनी है अनारकी से बाहर आना है तो इस तरीके के एथिकल नॉर्म्स बहुत एसेंशियल थे इस तरीके से इनकी अपनी यूटिलिटी थी और इसी के बेसिस पे यहाँ पे एम एन रॉय कह रहे हैं कि एथिक्स क्या है मटीरियलिस्टिक इन नेचर है नॉट रिलीजियस समझ में आ गया तो यहाँ पर अगर मेन्स को अपने स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल पे विक्ट्री पानी है स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल पे विक्ट्री पानी है एक वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी स्टेब्लिश करनी है तो ये नॉर्म्स या एथिक्स यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट हो जाता था और इस तरीके से इसकी इसका ओरिजन होता है एथिक्स का और जब ओरिजन आपकी यूटिलिटी पे बेस्ड है तो एथिक्स का नेचर कैसा हो गया मटीरियलिस्टिक इन नेचर हो गया तो अब ये समझ गए ना कि एथिक्स क्या है अकॉर्डिंग टू एम एन रॉय तो अब ये देखो ना कि किस तरीके से यहाँ पे इसकी इम्प्लीकेशनस कैसे होंगे राइट right. एथिक्स में जो जो हम रेडिकल ह्यूमैनिज्म पढ़ रहे हैं उसमें एप्लीकेशन कैसे करेंगे मैन रॉय सो एथिक्स क्या हुई मैन मेड हो गई मैन मेड क्यों है क्यों ह्यूमन बींग ने बनाया था इसे मैन मेड का मतलब क्या हुआ कि एथिक्स को ह्यूमन बींग हमारे आपके जैसे लोगों ने एथिक्स को बनाया है जो एथिकल नॉर्म्स हैं जो एथिकल बिलीफ हैं वैल्यूज़ हैं उसको ह्यूमन बींग के द्वारा बनाया गया तो ये आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्टेड है मैन मेड है क्यों मैन मेड है क्योंकि ह्यूमन बीइंग को इसकी ज़रूरत पड़ी थी एक वेल ऑर्डर सोसाइटी को स्टेब्लिश करने के लिए ओके okay, तो ये मैन मेड है और इस जब ये मैन मेड है तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस पर चेंजेस भी कर सकते हैं मान लीजिए एनशियट सोसाइटी में हमें जिस तरीके के एथिकल नॉर्म्स की ज़रूरत थी एनसियंट सोसाइटी तो हमने उस तरीके के नॉर्म्स बनाए थे हमारी सोसाइटी ने या हम इंडिविजुअल्स ने उस तरीके के नॉम्स बनाए एथिकल नॉर्म्स अब जब मेडिवल पीरियड आया सरकमस्टेंसेस चेंज हुई हमारी रिक्वायरमेंट चेंज हुई तो क्या जब ह्यूमन बीइंग के द्वारा ही तो नॉम्स बनाए गए उन्होंने चेंज कर दिया इसे मॉडर्न टाइम पे सिचुएशन चेंज हुई हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ी तो हमने क्या किया फिर चेंज कर दिया इसको सिंपल सी एक चीज को देखते हैं जैसे मान लीजिए पहले इंटर कास्ट मैरिज या इंटर रिलीजियस uh, जो मैरिज होती थी वो नॉर्म्स या एथिक्स के के बियॉन्ड कंसीडर की जाती थी अनएथिकल कंडक्ट माना जाता था अब रिक्वायरमेंट क्या है अब इनसे ऊपर हम हमारी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई या रीज़न लोग लगाने लगे लॉजिक लगाने लगे कि ये सब नॉनसेंस है तो वो लोग कहेंगे कि नहीं भाई हमारी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई समय चेंज हो गया है अब ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती हैं तो मैन मेड जो नॉर्म्स थे एथिकल नॉर्म्स उसको चेंज कर दिया गया एकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट समझ में आई यह पॉइंट इस एग्जाम्पल से वैसे मुझे ये समझाना था कि किस तरीके से इन मैड मेड एथिक्स को हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट सो बेसिक ऑफ एथिक्स शुड बी मटीरियलिस्टिक एंड साइंटिफिक रीजन नॉट रिलीजियस और यहाँ पर एम एन रॉय ये भी सजेस्ट करते हैं कि जो आउटडेटेड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं उसे रिजेक्ट भी कर देना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए रिक्वायरमेंट नहीं है अब इनकी ये हमारे लिए यूटिलिटी नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं तो एथिक्स का पॉइंट समझ में आया यहाँ पे नेक्स्ट आ जाते हैं रीज़न रीज़न मतलब जो काग्नेटिव स्किल होती है आपकी ओके okay? सोचने समझने की क्षमता जिसे कहते हैं हम सो कॉग्नेटिव स्किल तो यहाँ पे एम एन रॉय कहते हैं कि जो स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल था ना ह्यूमन बींग का स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल था तो जब स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल करना है तो आपके लेवल ऑफ कग्निशन को क्या करेगा एक्सटेंड करेगा बढ़ाएगा और इस तरीके से आपका रीजन और बढ़ेगा इट गिव्स राइजेस टू द रीजन ओके अब ये कैसे लेवल अब जैसे मान लीजिए आप किसी मुसीबत में फंस गए तो आप बहुत सारे तरीके या डायमेंशन में सोचोगे ना कि हम इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे आए तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हो कॉग्नेटिव स्किल्स यहाँ पे लगा रहे हो अपनी तो स्ट्रगल वो सर्वाइवल की जो प्रोसेस थी इसने लेवल ऑफ कॉग्नीशन को एक्सटेंड किया और उस तरीके से आप देखोगे कि एम एन रॉय कहते हैं कि जो रीज़न है इन मैन इज अ बेसिक फॉर द लिबरेशन ओके okay, लिबरेशन का हमने क्या पॉइंट आउट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया था लिबरेशन जहाँ पर स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल से हमें फ्रीडम मिल जाए ओके okay, तो दिस इज द रीजन दैट फाउंड्स द बेसिक फॉर द लिबरेशन इन द मैन ओके क्योंकि ह्यूमन बीइंग को लिबरेशन चाहिए एंड फॉर दैट रीजन इज द वे टू गेट द लिबरेशन ऑफ फ्रीडम ओके सो एम एन रॉय बिलीव्स दैट ऑल ह्यूमन पर्सन आर रेशनल इर रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट क्लास एंड एंड नेशन ऑल ह्यूमन बींग्स वो कोई भी किसी भी कास्ट किसी भी क्लास या किसी भी कंट्री से बिलोंग क्यों ना करते हों सभी क्या हैं रेशनल हैं क्योंकि हर एक ह्यूमन बींग को स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल करना है और ये प्रोसेस से जाना है तो लेवल ऑफ कॉग्निशन सभी का एक्सटेंड हुआ है ओके बिकॉज रीजन इज मैन इज द बेसिक फॉर द लिबरेशन इन मैन सो सभी ह्यूमन बींग वो भले भी किसी आ, किसी कास्ट क्लास या नेशन से बिलोंग करते हो दे ऑल और द रीजनेबल पर्सन या रेशनल पर्सन सो रेशनैलिटी इज द कॉमन अगर सभी ह्यूमन बींग के बीच में आपको एक लिंक स्टेब्लिश करनी है तो वो लिंक क्या होगी रेशनैलिटी की ओके okay, और इस तरीके से हम एक कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हैं ऑफ द फ्री पर्सन और यही बेस बनेगा आपका कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड का कॉस्मोपॉलिटन वर्ड क्या है जहाँ पर हम वर्ल्ड के सभी लोग एक फैमिली कंसीडर करते हैं ओके okay? एक फैमिली यहाँ पर कंसीडर की जाती है तो लिबरल इंडिविजुअल्स की जब हम एक कम्युनिटी इस्टेब्लिश कर लेते हैं फ्री पर्सन की जब हम एक कम्युनिटी क्रिएट कर लेते हैं जो बेसिस ऑफ रीजन पर अपील करते हैं और इसे हम कहते हैं कॉस्मोपोलिटन वर्ड सो so, ये थ्री इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स थे रेडिकल ह्यूमैनिज्म फिलोसफी की जो एम एन रॉय के द्वारा डेवलप की गई थी आई होप कि अब आपको ये तीनों कॉम्पोनेंट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी फ्रीडम जहाँ पर हम कहते हैं फ्रीडम फॉर द फ्रॉम द सर्वाइवल ऑफ द स्ट्रगल या फ्रीडम फ्रॉम द सुपरस्टिशन या सुपर नेचुरल पावर और हम एथिक्स की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि मैन मेड है आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्टेड है और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट मैन इसे चेंज कर सकता है सो दिस इज़ मटीरियलिस्टिक इन नेचर देन रीजन रीजन दैट कॉगनेटिव स्किल्स या कॉग्नेटिव नेचर होता है जो स्ट्रगल फॉर जो स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल से डेवलप होता है और ये सभी ह्यूमन बींग के बीच में एक कॉमन लिंक है जो चाहे वो किसी भी क्लास या कास्ट या रिलीजन या नेशन से बिलोंग करता हो और इस तरीके से हम एक कॉस्मोपॉलिटन जो सोसाइटी है वर्ड है उसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं तो समझ में आ गया कि किस तरीके से रेडिकल ह्यूमनिज्म फिलॉसफी का बेसिक एम है कि भाई जो भी ह्यूमन सोसाइटी इस्टैब्लिश की जाए वो बेस्ड होनी चाहिए ऑन द साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ओके so this is all about the components of the philosophy of radical humanism i hope you enjoyed the lecture also and agar koi doubt hai to niche comment kar sakte ho and please do subscribe the channel share with your friends and like the lecture agar aapko pasand aaya ho baaki jo maine question pucha tha ki aapne apni life mein sabse interesting जो superstition है वो क्या सुना है practice किया है या जानते हैं आप उसे जरूर share करिएगा उसमें बहुत interesting रहेगा अच्छा लगेगा ये engagement एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक्स फो ऑल दी लव एन सपोर्ट और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय टेक केयर कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग